सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? बहुत खुश और बहुत अच्छे, और आजकल तो बहुत ही होशियार हो गए, क्योंकि सब टीचर बताती है बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, कोई बच्चों ने बहुत अच्छी पोएम सुनाई, कोई बच्चों ने इंग्लिश का बहुत अच्छा लिखा। तो मुझे पता है आप हिंदी का भी बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी का अगला स्वर देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आज तक जितने हिंदी के स्वर देखेंगे उसका एक बार रिवीजन करेंगे। से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईक, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर भर लो घूम। याद है अगला स्वर? नहीं तो इसके लिए आज हम एक अच्छे से गाना सुनाएंगे, और उसके बाद हम वो स्वर कौन सा है उसको पहचान कर उसको दो लाइन में कैसा लिखते हैं वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो ऊंट पानी में नाचे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, रंग बिरंगी ऊन माहे लाई, स्वेटर पहना उषा इतराई, स्वेटर पहना उषा इतराई। तो बच्चों देखो, इस गाने में हमने उसे ऊंट देखा है, उसे ऊन देखा है, और उसे ऊंट भी देखा है। देखो बच्चों, अब हम उसे ऊन दो लाइन में कैसे लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। आप सब इधर ध्यान दो। तो देखो बच्चों, हमें ऐसा ऊन निकलना है, उसके लिए हमें स्लिपिंग लाइन लेनी है, हाफ सर्कल लेना है और एक हाफ सर्कल लेना है, और यहाँ से ऐसा निकालना है। आया समझ में? नहीं आया? और एक बार देखेंगे। देखो बच्चों, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल और एक हाफ सर्कल, और यहाँ से थोड़ा इसको ऐसा टेढ़ा निकालना है। और एक बार देखेंगे बच्चों, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, और इसे यहाँ से थोड़ा ऐसा टेढ़ा लेना है। आया समझ में? आपको भी बच्चों ऐसे दो लाइन के बीच में ही उसे ऊंट लिखना है, और वो कैसा लिखा है ये मुझे पिक्स निकाल के भेजने हैं। बच्चों अभी हमने उ दो लाइन में कैसे निकालते हैं वो देखा है, फिर आपको आपकी ये प्यारी सी किताब निकालनी है। सबके पास किताब है? ठीक है बच्चों, तो आपको ये प्यारी सी किताब निकालनी है, उसमें से उसे ऊंट निकालना है। जो ट्रेस के लिए दिए वाला है उसको पेंसिल से ट्रेस करना है, और जो ब्लैंक स्पेस दिए वाली है उसको आपको उसके बीच में उसे ऊंट लिखना है। ठीक है बच्चों, और ये लिख के मुझे आपको पिक्स भेजने हैं। तो बच्चों अब हम उसे शुरू होने वाले शब्द देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसे ऊंट, उसे ऊन। तो बच्चों अब हमने हिंदी का ऊ स्वर कैसे दो लाइन में लिखते हैं ये देखा है, आपको भी अच्छी तरह से उसे घर पे रहकर कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।